हेलो गाइज, मेरा नाम सोनू, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। अगर यहाँ पे कोई भी आप रेडमी पोको एम आई का फ़ोन यूज करते हो तो उसको यहाँ पे एप्पल जैसा लुक किस प्रकार से आप दे सकते हो। जी हाँ, इवन इसका जो सेटिंग पैनल है, जो इसका आइकन पैक है, सब कुछ आपको आईफोन जैसा देखने को मिलेगा। इवन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो इसका बूट एनिमेशन है ना, वो भी आपको एप्पल का लोगो का देखने को मिलेगा, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा देखने को मिलेगा। इवन इसका कलर जो है वो भी आपको आईफोन जैसा देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना यार। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो 200 लाइक करता हूं, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप को बताने से पहले आपको दिखाता हूं क्या कुछ आपको आईफोन जैसा देखने को मिलता है। जो इसका आइकन पैक है ना, जिसका कैमरा है, ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, सब कुछ देख सकते हैं आईफोन के जैसे आपको देखने को मिल रहा है, कैमरा एप्लीकेशन भी। इवन यहां पे मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं ना, ये देखते पूरी सेटिंग पैनल है ना, वो आपको पूरे आईफोन जैसा या एप्पल जैसा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने चलाया होगा तो आई थिंक आपको पता होगा। इवन यहाँ पे देखते हैं साइन इन यूर आईफोन, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आईफोन में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो अबाउट फोन ही खेलेगा, यहाँ पे iOS 14 आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आईफोन जैसा बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस देता है। और इवन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो वॉल्यूम पैनल है ना, ये देखते हैं पूरा आईफोन जैसा मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। देखते हैं कुछ इस टाइप में, देखते हैं जैसे ही मैं इस वॉल्यूम पैनल करता हूँ, पीछे का जो बैकग्राउंड है मतलब आपका देखते हैं वो डार्क हो चुका है। और ये वॉल्यूम पैनल देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं इसको करता हूँ तो ये जूम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे सबसे मेन जो बात है ना, मतलब ये सारी सेटिंग, आइकन पैक, और यहाँ पे देखते हैं जो इसका लॉक स्क्रीन है ना, यहाँ पे भी आपको आइकन कस्टम, जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। जो iOS 16 अभी लॉन्च हुआ है ना, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और मेन जो चीज आती है ना, वो आता है इसका बूट एनिमेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे रिबूट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे फोन के अंदर आईफोन वाला बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे जब भी किसी के सामने आप फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो उसको पता लगेगा यार यहाँ पे आईफोन वाला बूट एनिमेशन है, उसको लगेगा आईफोन वगैरह है। तो फोन को हम एक बार रिस्टार्ट होने का वेट कर लेते हैं और आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ यार। तो यहाँ पे देखते हैं आईफोन वाला, देखते हैं बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे रेडमी का आता है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आईफोन का बूट एनिमेशन कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। उसके बाद मेरा फोन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ तो मैंने बता दी क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है। अब इनको करने के लिए ना सारे कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको जाना है थीम स्टोर के अंदर। थीम स्टोर से नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी पड़ेगी, वो सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम थीम स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च बार में जाते हैं। तो जैसे थीम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ए, और यहाँ पे सर्च करना है 14। आपके सामने ये थीम आपको देखने को मिलेगी, एक ही थीम आपको देखने मिलेगी। इसको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अब अप्लाई नहीं करना, अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है वो सब कुछ बताऊंगा। ये डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं सारे टिक लगे होंगे आपके, यहाँ पे देखते हैं लॉक स्क्रीन पे, सिस्टम पे, आइकन पे, सारे टिक को आपको अनटिक कर देना, होम स्क्रीन पे भी। ओनली फॉर लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे टिक लगा के इसको आपको सिंपली अपने फोन के अंदर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप सिस्टम पे अप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इससे आपका क्या चेंज होने वाला है। यहाँ पे इसको अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आप जैसे ही लॉक स्क्रीन पे आप जाएंगे ना, सिर्फ लॉक स्क्रीन पे इसको अप्लाई करना है। लॉक स्क्रीन पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डबल टैप करेंगे। जैसे कि iOS 16 में लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का फीचर दिया है ना, तो वो फीचर इससे एक्टिवेट वगैरह हो जाएगा। वॉलपेपर में जाएंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे, कलर किस हिसाब से रखना है वो सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने मिलती है। क्लॉक का आपको किस प्रकार से कलर रखना है, कस्टम वॉलपेपर यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलता है, तो काफी सारे ऑप्शन है। तो लॉक स्क्रीन अप्लाई हो जाएगा। वैसे तो ये काफी सारी चीजें अप्लाई होती है लेकिन वो उतनी अच्छी आपको नहीं देखने को मिलती। तो सिंपली इसको लॉक स्क्रीन पे आपको अप्लाई कर लेना, देन आपका लॉक स्क्रीन तो जो आईफोन वैसा है वैसा देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की और। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को आपको किस प्रकार से इसको चेंज वगैरह करना है। तो सिंपली इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके लिए जाना होगा प्ले स्टोर में और यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर लेना, या आप वॉल्यूम स्टाइल आप सर्च करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने अपने फोन के अंदर ओपन कर लिए। इसके बाद यहाँ पे एजिबिलिटी की जो सेटिंग है ना, वो आपको ऑन करने के लिए बोल सकता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ऑन कर लेनी है, मतलब एजिबिलिटी की उसको ऑन कर देनी है, परमिशन वगैरह दे देनी है। उसके बाद आपसे काफ़ी सारे जो स्टाइल होंगे, जैसे कि ये अली स्टाइल होगी तो ये वाला आप स्टाइल रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन जो आईफोन वाला ना, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फ़ोन में ये देखते हैं अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे दिखाता हूँ, देखते कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलेगा। जैसे ही वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो देखते पीछे की ब्राइटनेस कम हो जाती है और ये पूरा आपका डार्क हो जाता है, मतलब देखते। और यहाँ पे करेंगे तो सारे वॉल्यूम पैनल, इसके एनिमेशन देखते
कितने अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे लग रहा है बिल्कुल आईफोन जैसा देखने को मिल रहा है। तो देखते कुछ इस टाइप से इस वॉल्यूम पैनल को तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोट एनिमेशन और जो उसकी सेटिंग पैनल है उसको आप अपने आईफोन जैसा किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपली उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बोट एनिमेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आईफोन 12 वाली, जिसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वैसे तो ये देखते मैंने सेंड किया हुआ वैसे, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका लिंक वगैरह वर्क ना करे ना, लोड वगैरह एरर आए, तो टेलीग्राम ऐप में जाकर टेक्निकल सूम नाम सर्च करना, वहां पर बूट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से ऊपर नीचे करके देख लेना, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी आईफोन 12, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कई लोगों को ये डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन वो फुल आल के ना उनके फोन के अंदर आ नहीं पाता। तो सिंपली इसको शेयर पे जाके ना अपने फोन के अंदर कॉपी करना है। यहाँ पे देखते हैं कॉपी टू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर में इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट आप सेव करने पर आपका आ जाए तो ठीक है, लेकिन सेव करने पर कई लोगों को शो नहीं करता फाइल मैनेजर पर कहाँ पे सेव हुए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे शेयर करके कॉपी कर लेना अपने फाइल मैनेजर में, ताकि उसकी लोकेशन पता रहे। तो वो आप डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है THE थीम और यहाँ पे स्वैप थीम स्वैप आप सर्च करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है इस बूट एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड होने का, डाउनलोड तो हो ही चुका है मेरे में। डाउनलोड ओपन हो जाने के बाद आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद जहाँ पे वो आपने बूट एनिमेशन वाली जो फाइल रख रखी है ना, जो मैंने दी हुई थी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये किया हुआ है तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये देखते हैं, प्रोसीड करूंगा तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। एक बार और लोकेशन में उसे पूछेगा वापस से करो, फिर आईफोन 12 पे हम क्लिक करेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अप्लाई ना हो, यहां से बैक हो जाए, तो अपने थीम स्टोर को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना पड़ेगा जब आपका ये फोन में अप्लाई होएगा। देखते हैं, मेरा तो सक्सेसफुली यहां पे अप्लाई वगैरह हो चुका है, लोडिंग हो चुका है 100% कंप्लीट। और यहां पे हम चलते हैं बैक और यहां पे आपको दिखा भी देता हूं मेरा सेटिंग पैनल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। देखते हैं, वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है आईफोन 12 जैसा। और यहां पे हम चलते हैं मोबाइल की सेटिंग के अंदर, तो ये देखते कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेगी, तो ये तो सेटिंग सारी चेंज हो चुकी है। अबाउट फोन दिखा देता हूं यहां पे चेंज हुई कि नहीं, तो ये चीज आपको देखते हैं सब कुछ iOS 14 जैसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही इसको अप्लाई करने से एक चीज चेंज और होगी, जैसे कि आईफोन में आपको ट्यूनिंग देखने को मिलती है ना, जैसे मैसेज करता हूं आपको, मैंने मैसेज किया, तो देखते हैं इस प्रकार के जो आईफोन में ट्यून देखने को मिलती है वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे और उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको स्मॉल विजिट पे क्लिक करना है ताकि आपका आईफोन वाला विजिट यहाँ पे अनेबल हो जाए। तीन ओवर ये ऑप्शन मांगेगा जब अप्लाई करेंगे, तो ये स्मॉल विजिट पे क्लिक कर देंगे, इसको क्लोज कर देना, ये थोड़ा बेकार सा लगता है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। हो सकता है इसको अप्लाई करने के बाद आप थर्ड नंबर पर करोगे ना, तो आपका लॉक स्क्रीन ना वापस से रिमूव हो जाए, तो इसको वापस से आई थीम स्टोर में जाके ना वो जो आपका लॉक स्क्रीन है वापस से अप्लाई कर लेना ताकि वो हो जाए, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको वापस, अगर आपका लॉक स्क्रीन वापस रिमूव हो जाए तो थीम स्टोर में जाके जैसे कि और ये करना और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे इसको अप्लाई वगैरह कर देना है। यहाँ पे देखते हैं लॉक स्क्रीन पे इसको अप्लाई आपको कर देना है और देन आपके फोन के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा लॉक स्क्रीन वाला। जैसे कि अप्लाई कर देता हूँ और वो थीम रहेगी रहेगी और ये लॉक स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा कि लॉक स्क्रीन इसका काफी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। देखते कुछ इस टाइप के अंदर, तो ये देखते अप्लाई कर देना, इस प्रकार से आपका लॉक स्क्रीन में हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाता हूँ बूट एनिमेशन भी आपको वापस से चेंज हो चुका होगा, तो हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे करते हैं फोन को रिबूट हम, और रिबूट करने के बाद देन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आईफोन वाला बूट एनिमेशन है वो चीज़ आपको देखते हैं कुछ इस टाइप में। देखते हैं आ चुका आईफोन का लोगो, जब भी फोन को स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं, तो इस टाइप को फॉलो करके अपने फोन के अंदर जो एप्पल वाला लुक दे सकते हैं कुछ इस टाइप के अंदर। तो देखते हैं कुछ इस टाइप में आप कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।